अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम रोस्ट, और उसके साथ मैं आपको बताऊंगी कि ओवन में आप किस तरह से चिकन बना सकते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए, मैंने एक होल चिकन ले लिया है और उसके अलावा मैंने कुछ पीसेस ले लिए हैं चिकन के। जैसे मैंने ये चिकन लेग्स और चिकन थाई पीसेस लेकर मैंने उनको अच्छी तरीके से धो लिया है, और मैंने इसके ऊपर जो है वो लहसुन जो है वो साबुत लहसुन लगा दिया है दोनों के ऊपर, और मैंने फिर इनको ड्राई कर लिया है अच्छी तरीके से। अब इसके लिए जो मुझे स्पाइसेस चाहिए, उसमें मैं 1 टेबलस्पून चाट मसाला लूँगी एक चिकन के लिए, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, 2 लेमन फॉर 1 चिकन। और मैं कहाँ से शुरू करना है, ये मैंने कोयला लिया है, इसको मैं स्मोक दूंगी मैरिनेट करने के बाद, वो मैं आपको दिखाऊंगी। उसके अलावा मैंने 1 टीस्पून जो है वो ज़रदा कलर लिया है, 2 टेबलस्पून जो है 1 चिकन के लिए मैंने लेना है ऑलिव ऑयल, और ये है मेरे पास बारबेक्यू सॉस और हॉट सॉस। हॉट सॉस 2 टेबलस्पून एंड बारबेक्यू सॉस 1 टेबलस्पून मैंने ली है। इसके अलावा ये मेरे पास है तंदूरी मसाला, ये मैं 2 टेबलस्पून लूँगी। चिकन टिक्का मसाला, ये मैं 1 टेबलस्पून लूँगी। मेरे पास एप्पल साइडर विनेगर है, ये मैंने एप्पल साइडर विनेगर जो है वो मैंने ये 2 टेबलस्पून लेना है एक चिकन के लिए। 1 कप मैंने योगर्ट का इस्तेमाल करना है। 1 टेबलस्पून जो है वो मैं इसमें चिली सॉस डालूँगी, और 1 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर सोया सॉस का इस्तेमाल करूँगी। और ये मैंने ये चिली सॉस है और ये बारबेक्यू सॉस, ये मैं डेकोरेशन के बाद में इसको सर्व करते हुए इसको साथ में रखूँगी। सबसे पहले मैं इसमें 1 कप योगर्ट डालूँगी, ये 1 कप योगर्ट का इस्तेमाल किया है मैंने, 1 कप योगर्ट मैंने डाला है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल दूँगी, ये मैंने 2 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बारबेक्यू सॉस ले लूँगी, ये मैंने बारबेक्यू सॉस ली है 2 टेबलस्पून। इसके साथ ही मैंने हॉट सॉस ली है 1 टीस्पून, और मैं इसमें 2 टेबलस्पून जो है ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। टेबलस्पून मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैं इसमें सोया सॉस डाल रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला एंड 2 टेबलस्पून तंदूरी मसाला। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है ताकि जितने भी मसाले हैं वो सारे इसके अंदर फूल जाएं। जब आप इस तरह से मसाले मिक्स करते हैं किसी भी चीज़ की मैरिनेशन के लिए, तो उसमें मसाले अच्छी तरह से फूल जाते हैं और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसकी मैरिनेशन को ओवरनाइट रखें तो बहुत ही अच्छा चिकन बनेगा, और अगर आप इसको इसी तरह से बीफ के ऊपर भी मैरिनेट करके रखें, लेकिन अभी जो है वो आपने इसको अगर 2 घंटे के लिए भी रखेंगे तो चिकन बहुत टेंडर और बहुत अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसमें ज़रदा कलर डाल रही हूँ, 1 टीस्पून मैंने ज़रदा कलर लिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें जो है वो रेड फूड कलर भी डाल सकते हैं, या आप कलर के बग़ैर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ज़रदा कलर ऐड कर रही हूँ।
अब मैं इस मसाले को जो है वो चिकन में अच्छी तरह लगा रही हूँ। चिकन में मैंने नाइफ के साथ कट्स लगा लिए थे और मैंने फोक के साथ इसके अंदर सुराख कर लिए थे ताकि इसके में अच्छी तरीके से मसाला जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये छोटा सा मैंने ये कोयलों को जो है वो दहका लिया था, अब मैं इसको इसमें रखे और इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ऊपर से, ये देखिए, और अब इसमें से स्मोक निकल रहा है और मैं इसको ढक दूँगी और इस तरह अब इस तरह से मैं इसको ढक के रख दूँगी और ढककर आप इसको 2 घंटे तक के लिए रख दीजिए कम से कम, और फिर मैं इसको फॉइल लगा के मैं इसको स्टीम कर लूँगी। अब इसको भी मैंने इसी तरीके से जो है वो रख दिया था और अब मैं इसको इसमें डालकर दहका लिया है मैंने कोयलों को, और अब मैं दूसरे चिकन में भी ऐसे ही कोयला रख दूँगी और मैं ऊपर से ऑयल डालकर इसको बंद कर दूँगी 2 घंटे के लिए और स्मोक जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। अब 2 घंटे गुजर चुके हैं और ये मेरे पास स्टीमर है, ये देखें ये कितना प्यारा स्टीमर है, ये देखें मैंने इसको ऐसे करके जो मैंने इसको खोल लिया है और मैं इसको अपने पैन में यूँ करके लगा दूँगी। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है और इसमें मैं फॉइल रखूँगी और रख दिया मैंने और फॉइल रख के मैं इसमें ये जो मैंने होल चिकन लिया था ये देखिए ये अच्छे तरीके से इसमें धुआँ जो है वो आ चुका है, इसके अंदर ही मैंने सारा चिकन रख दिया है ये देखिए, और अब मैं इसको फॉइल से जो है वो चारों तरफ से बंद कर दूंगी। मैंने इसको बंद कर दिया है, ये अच्छे से मैंने इसको फॉइल लगा दिया है ताकि जो भी जूसेस हैं मेरे चिकन में ही रहें वो बाहर ना जाएं। और अब मैं इसको जो है वो अपने पैन में रख रही हूँ, पैन में मैंने देखें स्टीमर अपना रख दिया है और अब मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी, मैं इसको ऊपर से ढक दूँगी और ढक कर मैं इसको 45 मिनट्स के लिए रख दूँगी। जो मैंने चिकन पीसेस लेकर मैरिनेट किए थे अब वो मैं एक एक करके मैंने ट्रे में बटर पेपर लगा लिया है और अब मैं इसमें एक एक करके रख रही हूँ, ये देखिए। आप इस तरह से मैं इसको आपको ओवन में भी बनाकर दिखाऊंगी और मैं आपको क्योंकि फ्राइंग का तरीका पहले से चिकन टिक्का का बता चुकी हूँ आप उस तरीके से फ्राई भी कर सकते हैं और मैं आपको स्टीम करके दिखाऊंगी। देखिएगा इस तरह इस रेसिपी से आप बनाएंगे तो आपका चिकन कितना ज़बरदस्त मैरिनेट होकर कितना अच्छा बनेगा। ये देखिए मैं एक एक पीस करके इसमें रखती जा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जो चिकन है उसको मैंने मैरिनेट करके और मैंने यहाँ पे ट्रे में रख लिया है और सेट कर लिया है इसमें मैंने, अब इसको मैं ओवन में रखने के लिए जा रही हूँ। ओवन को ऑलरेडी मैंने ओवन को मैंने प्री हीट किया है 30 मिनट्स के लिए और अब मैं इसमें 200 सेंटीग्रेड पे और अब मैं इसमें ये चिकन रख दूँगी, ये देखिए। याद रहे कि जब भी आप चिकन को इस तरह से बनाने के लिए ओवन में रखें तो हमेशा उसके साथ पानी ज़रूर रखें, उससे आपका चिकन मॉइस्ट रहेगा और वो ड्राई नहीं होगा। जैसे यूजुअली लोगों का चिकन, लोग जो चिकन बनाते हैं ओवन में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, इससे चिकन में ड्राइनेस नहीं होगी। और अब मैं इसको बंद कर दूँगी 35 मिनट्स के लिए 200 सेंटीग्रेड पर और मेरा चिकन जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। ये देखिए 35 मिनट्स गुजर चुके हैं, अब मैं इसको खोल के चेक करती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त चिकन जो है वो बनकर रेडी हो चुका है, ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन बना है। आपको स्टीम हुआ हुआ चिकन दिखाती हूँ, ये देखिए 35 मिनट्स में माशाल्लाह कितना अच्छा चिकन जो है वो स्टीम होकर तैयार हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चिकन तैयार हुआ है। अभी मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। स्टीम रोस्ट भी बनकर तैयार हो चुका है और जो मैंने ओवन में चिकन बनाया था देखिए वो भी कितना ज़बरदस्त रेडी हुआ है, ऊपर से भी माशाल्लाह कितना अच्छा रेड हुआ है। और ये पेरी पेरी चिकन है और ये बहुत ही मज़ेदार चिकन है। मैं चिकन को राइस के साथ सर्व कर रही हूँ और ये चिकन जो मैंने राइस बनाए हैं, ये जो चिकन का मसाला बचा था इसी से मैंने ये राइस बनाए हैं और मैं इसको इसके साथ सर्व करूँगी और मैं इसको चटनी के साथ और सैलेड के साथ सर्व करूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।